तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महिंद्रा XUV 3XO MX2 प्रो डीजल वेरिएंट के बारे में दोस्तों, जो कि दोस्तों आपको इसके साथ डीजल का सबसे बेस वेरिएंट देखने के लिए मिल जाता है। उससे थोड़ा ऊपर वाले वेरियंट के बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके कुछ फीचर्स के बारे में, बाइस के इंजन के बारे में, बाइस की एक्स रूम प्राइस के बारे में, ऑन रोड प्राइस के बारे में, डाउन पेमेंट के बारे में, ईएमआई के बारे में, आप यहाँ पर कितने कितने हज़ार की ईएमआई बनवा सकते हो, आपको कितनी ईएमआई देखने के लिए मिल जाएगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 3 हज़ार की ईएमआई के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, फुल वीडियो वॉच करें, तभी आपको हर एक जानकारी अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। हम बात करें इसके इंजन के बारे में, तो यहाँ पर 1458 सीसी का आपको डीजल इंजन देखने के लिए मिल जाएगा। हम बात करें पावर के बारे में, तो 115.05 bhp आपको इसकी पावर देखने के लिए मिल जाएगी। हम ट्रांसमिशन के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये गाड़ी आपको मैनुअल देखने के लिए मिल जाएगी। हम ड्राइव टाइप के बारे में बात करें तो फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। हम फ्यूल के बारे में बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आपको डीजल के साथ गाड़ी देखने के लिए मिल जाएगी। हम सेफ्टी की बात करें दोस्तों, तो इस गाड़ी के साथ आपको 6 एयरबैग भी इसके साथ आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। हम बात करें दोस्तों इसके कुछ फीचर्स के बारे में, तो दोस्तों रियल एसी वेंट आपको इसके साथ देखने के लिए मिल जाएंगे। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन भी आपको इसके साथ देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों आपको इसके साथ सनरूफ भी देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि दोस्तों डीजल वेरिएंट जो इसका सबसे नीचे वाला वेरिएंट है उसमें आपको सनरूफ देखने के लिए नहीं मिलती है, लेकिन दोस्तों इसमें आपको सनरूफ भी देखने के लिए मिल जाएगी। हम एक्स रूम प्राइस की बात करें दोस्तों, महिंद्रा XUV 3XO MX2 प्रो डीजल वेरिएंट की करें हम एक्स रूम प्राइस के बारे में बात, इससे पहले हम बात करें कि हम आपको यहाँ पर न्यू दिल्ली की प्राइस के बारे में बात करें, तो दोस्तों हम बात करें एक्स रूम प्राइस के बारे में, तो 1,39,000 रुपये की ये गाड़ी आपको एक्स रूम देखने के लिए मिल जाएगी। हम RTO के बारे में बात करें तो 1,29,875 रुपये का आपको RTO चार्ज देखने के लिए मिल जाएगा। हम इंश्योरेंस की बात करें तो 50,992 रुपये का आपको इंश्योरेंस भी देखने के लिए मिल जाएगा। हम अदर्स चार्ज की बात करें तो 10,390 रुपये का आपको अदर्स चार्ज भी देखने के लिए मिल जाएगा। हम बात करें दोस्तों महिंद्रा XUV 3XO MX2 प्रो डीजल वेरियंट की ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो यहाँ पर 1,30,257 रुपये का आपको यहाँ पर ऑन रोड प्राइस की देखने के लिए मिल जाएगी। हम बात करें दोस्तों कि हम आपको यहाँ पर 3 ईयर के बारे में जानकारी देंगे, 3 साल और 5 साल और 7 साल के बारे में। तो हम बात करें दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर 3 साल के बारे में, तो आप डाउन पेमेंट करते हो 2.5 लाख रुपये, बैंक की ब्याज की दर की बात करें तो 9% की ब्याज की दर से 3 साल के लिए अगर आप ईएमआई बनवाओगे तो आपको यहाँ पर 2.5 लाख रुपये जमा करने के बाद जो आपका अमाउंट बचेगा वो बचेगा 9,80,257 रुपये। दोस्तों यहाँ पर अगर आप 3 साल के लिए ईएमआई बनवाओगे तो अब आपको पैसे जमा करने पड़ेंगे 11,22,192 रुपये। दोस्तों यहाँ पर आपको पर मंथ की ईएमआई हो जाएगी 3 साल के लिए, वो हो जाएगी 31,172 रुपये। हम बात करें दोस्तों यहाँ पर कुछ 5 साल के बारे में कि डाउन पेमेंट करते हो 2.5 लाख रुपये, बैंक की ब्याज की दर की बात करें तो 9% की ब्याज की दर से, तो दोस्तों 2.5 लाख रुपये जमा करने के बाद आपका जो अमाउंट बचेगा वो बचेगा 9,80,257 रुपये। तो दोस्तों यहाँ पर अब आपको 5 साल की ईएमआई बनवाने के बाद यहाँ पर अमाउंट जमा करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा 12,20,940 रुपये। दोस्तों पर मंथ की आपकी ईएमआई हो जाएगी 20,349 रुपये। हम बात करें 7 साल के बारे में, तो दोस्तों डाउन पेमेंट वही करते हो, बैंक की ब्याज की दर आपकी वही रहती है, तो आपको यहाँ पर अमाउंट जमा करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा 13,24,764 रुपये। आपकी पर मंथ की ईएमआई हो जाएगी 7 साल के लिए 15,771 रुपये। दोस्तों हमने आपको यहाँ पर 3 ईयर की आसानी के साथ जानकारी दे दी हुई है, आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि आपको अगर आप इतनी डाउन पेमेंट करते हो तो आपको कितनी पर मंथ की ईएमआई देखने के लिए मिल जाएगी, अगर आप डाउन पेमेंट को बढ़ाओगे तो आपको ईएमआई कम देखने के लिए मिल जाएगी। तो दोस्तों हम बात करें इसके कुछ अन्य मॉडल्स के बारे में, जैसे कि हम बात करें इसके पेट्रोल वेरिएंट के बारे में, जो कि दोस्तों इसका सबसे सस्ता और सबसे वैल्यू फॉर मनी इसका बेस वेरिएंट आपको देखने के लिए मिल जाएगा 7,50,000 रुपये का। तो उसकी दोस्तों आपको यहाँ पर वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी हमारे चैनल पर, आप सभी पेट्रोल वेरियंटों की वीडियो देख सकते हो। हम बात करें इसके डीजल वेरिएंट के बारे में, तो दोस्तों नीचे से दूसरे नंबर का आपको बेस वेरिएंट देखने के लिए मिल जाता है। इसके बिल्कुल ही बेस डीजल वेरिएंट की वीडियो देखना चाहते हो तो वो भी वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगी, आप वहां पर जाकर देख सकते हो। तो दोस्तों ये रही कुछ आज की वीडियो, अगर आपको कुछ वीडियो में समझ में नहीं आया है, अगर आप इसकी अन्य जानकारी जानना चाहते हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हो कि हमें यहाँ पर कौन सी चीज़ समझ में नहीं आई है और आप यहाँ पर कौन सी चीज़ जानना चाहते हो। तो दोस्तों ये रही कुछ आज की वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं दोस्तों जल्दी किसी नई वीडियो के साथ।